मैं डॉक्टर एस के गर्ग, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर, बीएससी पार्ट थर्ड, पेपर फर्स्ट, एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। इसमें यूनिट फर्स्ट ब्लड, कल मैंने फर्स्ट लेक्चर में कंपोजिशन एंड फंक्शंस के बारे में बताया था, और टुडे इज द सेकेंड लेक्चर रिगार्डिंग द ब्लड। इसमें ब्लड ग्रुप्स, आर एच फैक्टर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ आर एच फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। रक्त में कुछ प्रोटीन युक्त पदार्थों की उपस्थिति के कारण मानव का रक्त एबीओ समूह में विभक्त किया गया है। सबसे पहले यह डॉक्टर कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में एस्टेब्लिश किया था। प्रोटीन युक्त पदार्थ को एग्लूटिनोजन और एंटीजन कहते हैं। रक्त के दो प्रकार के एंटीजन ए एंड बी पाए जाते हैं, जो रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पर पाए जाते हैं, जिनके कारण से ब्लड ग्रुप मनुष्य में पाए जाते हैं। ब्लड ग्रुप्स आर कॉल्ड ए बी ओ ब्लड ग्रुप्स या लैंडस्टीनर ब्लड ग्रुप्स एज ही डिस्कवर्ड द ब्लड ग्रुप्स। ब्लड के अंदर सीरम में कुछ एंटीबॉडी पाई जाती हैं, जिनको एग्लूटिनोजन कहते हैं। द स्टेटस ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इन डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स इज शोन इन टेबल। ब्लड ग्रुप एंटीजन एंड एंटीबॉडी, ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए व एंटीबॉडी बी, और ब्लड ग्रुप बी के अंदर एंटीजन बी एंड एंटीबॉडी ए, और ब्लड ग्रुप ए बी के अंदर दोनों प्रकार के एंटीजन ए और बी, और कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। इसी प्रकार से ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता और दोनों प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती हैं। सेकेंडली, ब्लड ग्रुप ए की एंटीबॉडी ब्लड ग्रुप बी की आरबीसी का समूहन कर देती है। इसी प्रकार ब्लड ग्रुप बी की एंटीबॉडी ब्लड ग्रुप ए की आरबीसी का समूहन कर देती है। समूहन मीन्स एग्लूटिनाइजेशन। नेक्स्ट, ए बी ब्लड ग्रुप किसी की रक्त समूह को एग्लूटिनाइज नहीं कर सकता, क्योंकि ए बी रक्त में किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। ब्लड ग्रुप ओ सभी प्रकार के ए बी और ए बी के रक्त को एग्लूटिनाइज कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर दोनों प्रकार की एंटीबॉडी होती हैं। ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी, ए ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप ए और ए बी वाले व्यक्ति को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, और ब्लड ग्रुप बी वाला बी को और ए बी को दे सकता है, और ब्लड ग्रुप ए बी केवल ए बी व्यक्ति को ही दे सकता है, और जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है वो चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप्स को अपना रक्त ट्रांसफ्यूज करा सकता है। ओ को यूनिवर्सल डोनर और ए बी को यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं। डोनर के ब्लड की एंटीबॉडी यदि ग्राही के ब्लड की एंटीबॉडी के अगेंस्ट हो तो कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि यह डाइल्यूट हो जाती है। परंतु ग्राही के डोनर के विरुद्ध एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह एग्लूटिनाइजेशन कर देगा डोनर के रक्त का। इसलिए ए बी रक्त वाला व्यक्ति यूनिवर्सल ग्राही है और
ओ रक्त वाला व्यक्ति यूनिवर्सल डोनर होता है, क्योंकि यह दोनों प्रकार की एंटीबॉडी रखता है। एंटीजन को एग्लुटिनोजन कहते हैं, जो आरबीसी की परत पर पाई जाती है। वह एंटीबॉडी को एग्लुटिनिन्स कहते हैं, जो कि ब्लड के सीरम में पाई जाती है। ब्लड ग्रुप तीन प्रकार के एलील्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। वह जीन जो एंटीजन ए प्रोड्यूस करता है उसको एल ए, जो एंटीजन जो बी प्रोड्यूस करता है उसको एल बी, और जो जीन दोनों के लिए नहीं है उसको एल जीरो या एल ओ से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर एल लैंडस्टीनर को ऑनर देने के लिए लिया गया है, क्योंकि लैंडस्टीनर ने ही ब्लड ग्रुप की खोज की थी। एल बी दोनों, एल ए और एल बी दोनों एक दूसरे पर डोमिनेंट नहीं है, जबकि एल ए एल जीरो पर और एल बी एल जीरो पर डोमिनेंट होते हैं। ब्लड ग्रुप्स व जीनोटाइप्स, ब्लड ग्रुप ए के जो जीनोटाइप होते हैं एल ए एल ए एंड एल ए एंड एल जीरो, और ब्लड ग्रुप बी दैट इज कंट्रोल्ड बाय द टू टाइप्स ऑफ द जीनोटाइप एल बी एंड एल बी और एल बी एंड एल जीरो, और ब्लड ग्रुप ए बी दैट इज एल ए एंड एल बी, एंड ब्लड ग्रुप ओ दैट इज एल जीरो एंड एल जीरो। द जीनोटाइप इंडिकेट्स दैट द ब्लड ग्रुप्स आर इनहेरिटेड इन द सिंपल मेंडेलियन फैशन। इन मैन द मेंडेलियन फैशन, if a man has blood group A and the woman has blood group B in a heterozygous condition, then man and the woman can produce the four types of the children which contains the blood group A, blood group B, blood group AB and blood group O. Say for example, blood group LA and L0. The genotype of the blood group B will be LB and L0 because they are heterozygous in condition. So LA and LB, LB and L0, LA and L0 and LO and LO. So inke jo phenotypes honge, LA, LB ka jo phenotype hoga, that is AB blood group, LB, L0 ka B blood group, LA and L0 ka A blood group, और L0 L0 का O ब्लड ग्रुप होगा। नेक्स्ट RH ब्लड ग्रुप एंड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। RH फैक्टर लैंडस्टीनर व विनर ने 1940 में बताया था। उन्होंने रैबिट के रक्त को रीसस मंकी के रक्त के साथ इम्यूनाइज किया। तो रैबिट सीरम के एंटीबॉडी न केवल रिसस मंकी के रक्त को वरन कुछ मनुष्य के रक्त को भी एग्लुटिनाइज कर देते हैं। ये मनुष्य आरएच पॉजिटिव कहलाते हैं, क्योंकि इनके अंदर आरएच वाला ही एंटीजन उपस्थित होता है। RH means रिसस, रिसस मंकी, उनका जो फर्स्ट RH है उसके आधार पर इसको RH पॉजिटिव कहा। तो इसलिए RH एंटीजन ह्यूमन सीरम में भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सकता है, जो कि गलत ट्रांसफ्यूजन का रिजल्ट होता है। इसलिए ABO समूह के साथ साथ RH फैक्टर की कंपेटिबिलिटी को भी चेक करना चाहिए। पूरे वर्ल्ड में लगभग 85% पॉजिटिव फॉर आरएच एंड 15%
population that is negative for Rh. In India, 90% Rh positive and lagbhag 10% Rh negative hote hain. Rh positive rakt ke gene, Rh negative rakt ke gene par prabhavi hote hain. Rh negative manushya mein aisi koi antibody nahi hoti jo Rh कारक के साथ रिएक्शन शो करे, परंतु ये एंटीबॉडी आरएच कारक के कारण पैदा हो सकती है. फर्स्ट टाइम यदि आरएच नेगेटिव को आरएच पॉजिटिव ब्लड दिया जाए तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि ग्राही के रक्त में पॉजिटिव के खिलाफ इतनी अधिक एंटीबॉडी नहीं होती. परंतु यदि कुछ समय बाद उसको फिर से आरएच पॉजिटिव ब्लड दिया जाए तब एंटीजन व एंटीबॉडी रिएक्शन होगी, क्योंकि ग्राही के रक्त में अब आरएच पॉजिटिव के अगेंस्ट ऑलरेडी एंटीबॉडी हैं और जिससे उसकी मृत्यु तक हो सकती है. आरएच नेगेटिव के आरएच पॉजिटिव मनुष्य से शादी होने पर वह पॉजिटिव गर्भधारण करने पर आरएच कारक के प्रति सेंसिटाइज हो जाता है, तो इस समय कुछ एंटीबॉडी माता के रक्त में पैदा हो जाती हैं. पहली संतान सामान्य होती है, परंतु यदि नेक्स्ट टाइम भी आरएच पॉजिटिव से प्रेगनेंसी होती है तब फीटस के लिए उसके अगेंस्ट एंड ऑलरेडी एंटीबॉडी माता के रक्त में हैं, जिससे एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन होने के कारण आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का लॉस होगा. आरबीसी का समूहन होने के कारण एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहलाता है और बच्चे की मृत्यु हो जाती है. तो मैरिज कैन बी कंपेटेबल विद रिगार्ड्स टू दी आरएच फैक्टर्स. Man and woman, if both are positive, then there is no harm. If both are negative, then no harm. If the man is negative and the woman is positive, then no harm. But if in case of the man positive or Rh positive marries with the negative woman, then it causes the harm and the erythroblastosis fetalis disease will be occurs. Thank you very much.